कल चुनावी नतीजों का दिन है, ऐसे में इस दिल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका इलेक्शन सबसे टफ रहा है, क्योंकि आतिशी मार लीना पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरा अपना वेट डाल रखा था और बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक और स्टार उम्मीदवार गौतम गंभीर चुनावी मैदान में थे, जिन पर अरुण जेटली ने भी दांव लगा रखा था। सर, कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कल के नतीजों को लेकर, ऐसे माहौल में जब एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज नहीं दिखा रहा? देखिए, लोगों के बीच में गए, लोगों का प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। लोकल कैंडिडेट था, लोगों को मैं जानता था, लोग मुझे जानते थे। मुझे लगता है कि लोगों का आशीर्वाद मेरे पे रहेगा, और बिना लोगों के सहयोग के, बिना लोगों के प्यार के इतने कम समय में ऐसा इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना भी मेरे लिए अकेले मुनासिब नहीं था। तो जब लोगों ने इतने उत्साह के साथ, जितने लोग उनकी रैलियों में नहीं आते थे उससे ज़्यादा मेरी पदयात्रा में रहते थे, तो लोगों ने इतने उत्साह के साथ अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा नतीजा रहेगा। और हम पॉलिटिकल लोग हैं, लोगों के बीच में रहना है हमें, तो हमें तो कहीं जाना नहीं, हम पैराशूट वाले तो हैं नहीं, तो इसलिए जो है हमने अपना काम कर दिया, बाकी लोगों का जो फैसला है वो सिर माथे पे। लवली जी, आश्वासन क्यों नहीं दे पा रहे आप, ये क्यों नहीं कह रहे कि नहीं जीत मेरी तय होगी? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोगों का, जितनी बड़ी संख्या में मेरे साथ बाहर आए हैं, लोगों का आशीर्वाद ना मिले वो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जो है 100% लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन चुनाव होता है तो चुनाव में हमने अपना काम कर दिया, जो लोगों का फैसला है वो सिर माथे पे है, और मुझे पूर्ण रूप से यकीन है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आपको लास्ट के 15 दिन मिले प्रचार करने के लिए भी, और इलेक्शन खड़ा करना था ऐसे कद्दावर उम्मीदवारों के खिलाफ, जब मनीष सिसोदिया अपना प्रचार कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से वेट डाल रही है, गौतम गंभीर को बीजेपी का पूरा काडर सपोर्ट कर रहा है, टर्निंग पॉइंट आपके इलेक्शन में क्या रहे? क्योंकि हमने देखे कि पर्चे भी काफ़ी विवाद में रहे, गौतम गंभीर डमी कैंडिडेट को ऊपर खड़ा करके गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा यहूदी वाला रिमार्क, कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहीं आपकी सीट पर। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि दोनों कद्दावर नेता दोनों का कहीं आसपास नहीं ठहरते थे एज अ कैंडिडेट। आतिशी का इलेक्शन दिल्ली सरकार चला रही थी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तो वो दिल्ली सरकार मेरे खिलाफ लड़ रही थी। गौतम गंभीर भी एज अ कैंडिडेट कोई किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार और अरुण जेटली जैसा आप मेंशन कर रहे हैं वो चुनाव चला रहे थे। तो मैं चुनाव जो है नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़ रहा था, आतिशी और गंभीर के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, और मेरे साथ जमुना पार की जनता थी। तो इसलिए जो है ये चुनाव जमुना पार के लोगों का इन बड़ी ताकतों के खिलाफ था। ईवीएम को लेकर कंट्रोवर्सी आ रही है, आपकी हार होती है या जीत होती है, तो आपको लगता है कि अगर हार होती है तो इसके अंदर ये भी एक फैक्टर है कि ईवीएम के ऊपर काफ़ी विवाद हो रहा है, और स्ट्रांग रूम की निगरानी रखने के लिए भी आपके कार्यकर्ता हमने देखे खड़े हुए थे? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में अगर किसी चीज़ के ऊपर शंका हो, और पूरे देश में शंका है, तो उस शंका का समाधान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इलेक्शन कमीशन, मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम खराब है या सही है, लेकिन अगर शंका है तो उसको दूर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी से परे हट रहा है। बाकी जो है, मैंने तो पहले ही कहा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, और जो लोगों का फैसला है वो सिर माथे पे। एक आखिरी प्रश्न लवली जी, जब कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए थे तो कहा जा रहा था कि नंबर 2 नंबर 3 के पायदान की लड़ाई है, लेकिन कैंपेन इतना एग्रेसिवली कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा जिससे कि लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी टक्कर दे सकती है बीजेपी को, खासतौर पे आपकी सीट, शीला दीक्षित जी की सीट, अजय माकन की सीट। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर सकेगी जहां पर कांग्रेस पार्टी जीरो के ऊपर है? देखिए, हम पहले भी कहते थे कि आम पार्टी से लोगों का जो है वो लोग नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत है, और केंद्र सरकार से ज़्यादा कॉरपोरेशन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली में लीडरशिप क्राइसिस है बीजेपी के पास। खाली मैं, शीला दीक्षित और अजय माकन नहीं, जयप्रकाश अग्रवाल बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं, मावल मिश्रा बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं, लिलोतिया और विजेंदर भी अच्छा इलेक्शन लड़े हैं। तो कांग्रेस का पूरा चुनाव जो है वह बहुत अच्छे से हुआ है। ये तो आप मीडिया वालों की कृपा को छंपे कम रही है, अगर आप मीडिया वालों की भी कृपा होती तो हम 7ों सीट जीतते। विधानसभा में आपको लगता है अब टक्कर होगी सीधी, आम आदमी पार्टी तीसरे पायदान पर रहने की आशंका है? देखिए, ये चुनाव कांग्रेस की एक नई पृष्ठभूमि दिल्ली के अंदर लिखेगा। तो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कम से कम विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का कार्डर खड़ा हुआ था वो दिखाई दे रहा है, और अगर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 के पायदान पर रहती है और नंबर 1
पे भी रहती है अगर कुछ सीटों के ऊपर, तो जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा के संभावित जो इसी साल चुनाव हो सकते हैं उस पर भी पड़ेगा। कैमरामैन मनोज के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।